जी अस्सलाम वालेकुम। इस नन्हे मुन्ने बच्चे को देखिए, माशाल्लाह पर मंथ जो है 2 लाख से भी ज्यादा जो है पैसे बना रहा है। माशाल्लाह इसने अपनी एक टीम भी बना ली। इस तरह की स्टोरीज को पहले तो आप तसल्ली से सुनिए, फिर इसकी वो जर्नी देखिए कि किस तरीके इसने, आप पहले पिछले वाला थोड़ा सा इंटरव्यू देखिए, तब आप इसका हुलिया, इसकी सारी जो है लैंग्वेज, बिहेवियर, सारी चीजों को नोट करिए। और अब उस वीडियो को थोड़ा सा आपने पीछे जाके देखना है और आज की वीडियो आपने इब्राहिम की देखनी है, तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। देखिए जिस तरह पैसा आपकी जिंदगी में फर्क डालता है, एथिक्स आपकी जिंदगी में फर्क डालते हैं, आपको माशरा आपको जीने का हुनर देता है, इसी तरीके से जब पैसे जेब में आ जाते हैं, बंदा डॉलर्स बनाने लग जाता है, तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इब्राहिम की स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। थोड़ा सा इब्राहिम का तारुफ मैं और करवाता हूँ। इस बच्चे ने माशाल्लाह मेरे साथ जो है उमरा भी किया हुआ है, और जब से मैंने पहला उमरा परफॉर्म किया था तब ये बच्चा मेरे साथ था, और तब हमने इकट्ठे किया पहला, दूसरा, तीसरा उमरा, और तब भी इस सफर में हमने बेशुमार चीजें एक दूसरे से सीखी। उसके बाद भी ये मेरी टीम के हिस्सा रहे, उसके बाद इनकी वालदा बीमार हुई, फिर इन्होंने जो है वापिस जाने का फैसला किया, और माशाल्लाह अब ये अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी छोटी सी टीम बनाई हुई है, वो बच्चे भी माशाल्लाह पैसे बना रहे हैं, और ये माशाल्लाह 2 से 2.5 लाख, लेकिन हम इसको कम करके बताते हैं, कम से कम 1.5 लाख तो पक्का है। और इब्राहिम बहुत ही जबरदस्त बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। वालेकुम सलाम। कैसे हो दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, और दूसरी बात कैसे सफर स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा टू दी पॉइंट, बहुत लंबा नहीं हमने खींचना, और किस तरीके से अभी आप अर्न कर रहे हो, किस क्लाइंट से कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, और क्या एवरेज इनकम? जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मैं जब एंटर हुआ था इस फील्ड में, मुझे लैपटॉप भी नहीं चलाना आता था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया, मैंने कोई इदारा नहीं बनाया हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिंक्डइन और फेसबुक पे वर्क कर रहा हूँ, मैं कोई रिसेलिंग नहीं कर रहा, मैं प्रोफेशनल जो है फॉरेन क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहा हूँ डॉलर्स में। जबरदस्त। मतलब कई लोग हैं हमारे भाई जो लोग जो है ना रीसेलिंग करके पैसा बनाते हैं, कोई बुरी चीज नहीं है, रीसेलिंग बहुत अच्छा काम है, अगर आप इधर से चीज पकड़ते हैं उधर बेचते हैं, और इस तरीके से भी आप पैसे बना लेते हैं। बेसिकली कोई चीज बेचने का काम नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपने ऑर्डर किसी का पकड़ा, किसी का कंप्लीट करवा दिया और पैसे बना लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो इब्राहिम है वो फॉरेन जो है क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, और भी माशाल्लाह बहुत से इसके क्लाइंट्स हैं, स्पेशली जो आपकी अर्निंग है वो लिंक्डइन से। जी सर। अच्छा, लिंक्डइन के अलावा फेसबुक, लिंक्डइन, फेसबुक ज्यादा, लिंक्डइन पे ज्यादा करता हूं। हां, लिंक्डइन ज्यादा प्रेफर है, भी प्रोफेशनल। जी सर। फाइवर पे नहीं गई? फाइवर पे गया था, वहां पे भी काम किया है, लेकिन उस पे जो मजा नहीं आया, वो जब ब्रेकअप करता है ना फाइवर, वो दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है, बिल्कुल। बहुत से लोग जो है फाइवर से माशाल्लाह लाखों रुपए बना रहे हैं, जैसे जो है जुबायर भाई की वो एक स्टोरी थी कि माशाल्लाह उन्होंने कितने पैसे अर्न किए, यानी कि एक साल में उन्होंने माशाल्लाह 75 लाख फाइवर। कई लोगों की जो है वो पंजाबी कह लो गुट्टी जो है लिंक्डइन से चढ़ जाती है, कई लोगों का जो है सिस्टम फाइवर से चलता है, किसी का फेसबुक से और किसी का रीसेलिंग, इवन दैट किसी का व्हाट्सएप से ही काम चलता रहता है। अच्छा दोस्त, कोई जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इनको क्या पैगाम देना चाहिए, ये कैसे करें? इनको मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं और ऑर्डर्स नहीं लग रहे, आप लगे रहें अल्लाह ताला से जो है उम्मीद लगाए रखें, तहज्जुद पढ़ें, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला से मांगे, उसमें आप जो चीज भी मांगे ना अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप जो है ना ऑर्डर्स आपके लग रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अचानक आपके ऑर्डर लगना खत्म हो जाते हैं, कोई मुश्किल आ जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना, एवरी फॉल इज चांस टू राइज इफ यू विल नेवर क्विट। अगर मतलब आप जो है जिस काम को कर रहे हैं, जो अगर आपके ऊपर फॉल आया, ठीक है, बुरा बात, गिर गए आप नीचे, जवाल आया, तो आपने उस काम को क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं, अगर आपने छोड़ दिया ना वो फिर आप खत्म है। लेकिन मेरा ख्याल है जब इंसान छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है तब बड़ा मंजिल के करीब होता है, और उधर से ही आपका वो जर्नी स्टार्ट होने वाला। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, अल्लाह हमें और इस जैसे इब्राहिम दे, और माशाल्लाह ये स्टूडेंट्स को भी सिखा रहा है, उनको भी बता रहा है, उनकी जो है उनके निजाम भी आगे बताई जा रहा है, इनके साथ माशाल्लाह टीम काम कर रही है। देखिए एक बच्चा जो है दूसरे जो है लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, एक बच्चा दूसरे लोगों को सिखा रहा है, इसी तरीके से चेन बंदी थी, मैंने जो है अपने टीचर से सीखा, मैं आगे बच्चों को सिखा रहा हूँ, आगे मैंने किसी को सिखाया, वो किसी को सिखा रहे हैं। आप भी ऐसा करें, वो बच्चे जो पैसे बना रहे हैं उनको भी आता है तो वो दूसरों को सिखाना शुरू कर दे, लेकिन वो बंदा पैसे बनाता हो, पैसे कमाता हो, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा इब्राहिम भी आपसे जो है बात करना चाह रहे हैं, जो है इन्होंने भी माशाल्लाह छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाया, तो ये अपनी जो है छोटी सी शॉर्ट्स देना चाह रहे हैं। वैसे तो माशाल्लाह सर ने भी अपने जो है यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाली हैं, अगर आपको कभी लगे कि जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ टेक्निक्स डाली हुई हैं न्यू लिंक्डइन के ऊपर जो है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम इब्राहिम ब्लॉगर है। माशाल्लाह जबरदस्त। आप इब्राहिम ब्लॉगर जो है यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ सर्च बार में जो है टॉप पे इनके नाम आ जाएंगे, और ये छोटी छोटी टेक्निक्स, छोटी छोटी चीजें जो है जो गेस्ट पोस्टिंग, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड और क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड जो है छोटी छोटी टेक्निक्स और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑर्डर्स और अपने बच्चों की स्टोरीज भी लगाता रहता है, आप उनसे भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये टाइम निकाला और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा।
था डेफिनेटली। इनको हमने जो है मेटा अचीवर समिट में भी इन्हें बुलाया था, इन्होंने माशाल्लाह वहाँ पे स्पीच भी किया है, बहुत से लोग डेफिनेटली इनको जो है मुस्तफीद हुए होंगे और इनको भी बहुत कॉन्फिडेंट मिला होगा जब 400 बंदे के आगे। एक और चीज कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने समिट में भी कहा है, अर्निंग का सोच के, अर्निंग ना सोचें, पहले लर्निंग करें। मैंने जो है, मुझे तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया इस फील्ड में, मैंने तकरीबन 6 से 7 माह सिर्फ लर्निंग की है, उसके बाद जो है मैंने अर्निंग की जर्नी स्टार्ट की। जबरदस्त, सबसे पहले असूल भी है, सबसे पहले सीखो फिर बनाओ। कोई भी चीज जो है आप माँ के पेट से सीखे नहीं आते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।